हाय एवरीवन, वेलकम टू नीतूज किचन स्टोरीज। और मैं हूँ नीतू। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। चलिए आज बनाते हैं सिंधी स्पेशल भिंडी सेहल। तो देख लेते हैं इसके लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सेहल मतलब बहुत सारा प्याज में सब्जी बनेगी। तो ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 3 बड़े टमाटर को पीस लिया है। 1 बड़ी सी हरी मिर्ची को आधे में काट लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 10 से 12 भिंडियाँ ली हैं, इसको मैंने ऐसे बीच में से चीर दिया है। ये देखिए, ये आधी नहीं होनी चाहिए, बस एक कट लगा दीजिए। 1 आलू लिया है, उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है। 1/4 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्ची पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। और थोड़ा सा ज़्यादा सा तेल लेंगे क्योंकि हमें भिंडी और आलू को फ्राई करना है। और इसके अलावा हम एक मसाला बनाएंगे, वो जब मैं बनाऊंगी आपको बताऊंगी उसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम आलू में थोड़ा सा नमक स्मियर कर लेते हैं और ये अब फ्राई करने के लिए तैयार हैं। आलू और भिंडी को हमें फ्राई करना है और दोनों ही हम अलग अलग फ्राई करेंगे। तो तेल गरम हो गया है तो हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा कलर ले रही हैं, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसको अब हम निकाल लेंगे और अब भिंडी फ्राई कर लेंगे। तो हमें भिंडियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कड़क नहीं करना है। जैसे ही थोड़ी सी टेंडर होंगी, हल्का सा कलर चेंज होगा, हम भिंडियों को निकाल लेंगे। बस अब निकाल लेते हैं भिंडी को, हो गई है फ्राई। ये देखिए तेल काफ़ी ज़्यादा है, हम इसका आधा तेल निकाल के हम इसमें अब प्याज भूनना शुरू कर दें। तो चलिए मैंने तेल निकाल लिया है, अब हम प्याज भूनेंगे। प्याज को अच्छे से हमें भूनना है, एकदम लाल होने तक हम इसको भूनेंगे। तो चलिए जब तक प्याज भून रहा है, वो जो मसाला मैं आपको बता रही थी वो बना लेते हैं। 1/4 teaspoon हल्दी, 1/4 teaspoon गरम मसाला, 1/4 teaspoon आमचूर पाउडर, 1/4 teaspoon नमक, 1/4 teaspoon लाल मिर्ची पाउडर। प्याज भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। ये जो मसाला हमने बनाया है ना, इसको हम भरेंगे भिंडी के अंदर। ये देखिए ऐसे हम सारी भिंडियों को भर देंगे इस मसाले से। ऐसे करके सारी भिंडियां भर दीजिए। ये देखिए सारी भिंडी भर दी हैं और थोड़ा सा ये मसाला बचा है, इसको हम डाल देंगे सब्जी के अंदर। टमाटर भुन गया है, चलिए इसमें मसाले डालते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो थोड़ा सा मसाला बच गया था ये भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी और आलू। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिम गैस करके हम इसको 5-7 मिनट पकने देंगे। हमारी भिंडी सेहल तैयार है, चलिए इसको सर्व करते हैं।
बहुत ही यमी भिंडी सेहल बनके तैयार है। इसको एंजॉय कीजिए रोटी के साथ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।